आज जाएंगे एनआईटी के उस पार घूमने के लिए, तो देख सकते हैं। देखो हमारा बहन है, नहीं सुधरने वाली है, मुंह में हरदम गुटके खाती है। ठीक है, हर हर महादेव, हर हर। तो हमारे साथ देखिए इस वक्त बहुत सा इस गर्मी कैसा लगे। वीडियो बनाने के लिए मेरे साथ, और चलिए हमें अगर भाई इस प्रकार चढ़ने लग रहा है, पहाड़ है क्या बताएं। तो बहुत जूली जी के साथ, तो अभी देख सकते हैं यहाँ का माहौल किस प्रकार है। तो रात हो गया है और रात में वीडियो मोबाइल जला जला के गाइस क्या बताएं, वीडियो बना रहे हैं, देखिए कैसे बना रही है। हेलो गाइज, आज आए हैं एनआईटी घाट घूमने के लिए, देख सकते हैं। आज जाएंगे एनआईटी के उस पार घूमने के लिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे गंगा घाट से ऊपर जाने के लिए 50 रुपये किराया लगता है। हम सब बहुत ही गंगा घाट में है, और हमारे जो कुछ टीम के जो सदस्य हैं, जैसे आपको परिचय होगा, ये मिथुन जी हैं, और ये देखिए जूली जी, पूनम जी, और उनकी जो सिस्टर है, और ये देखिए बाबू भी है। और पटना में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गया, देखते हैं पसीना नहीं सूख रहा। तो हम लोग आज प्रोग्राम बना रहे हैं कि गंगा के किधर जाना, डुबकी भी लगाएगा मिथुन? हाँ हाँ, बीच में उतर के लगाएंगे डुबकी। पक्का पक्का। देखो हमारा बहन है, नहीं सुधरने वाली है, मुंह में हरदम गुटके खाती है। ठीक है, ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लीजिए लीजिए, तो इधर ले जो, चढ़ गए गाइस, बहुत मजा आ रहा है यार। देखिए देखिए, अब निकलेंगे यहाँ से। आइए गोविंद जी, अभी मेरा कैमरा मैन भी पीछे ही रह गया। कुछ लोग पहले से बैठे हुए हैं उधर, गंगा के पार जा रहे हैं, और यहाँ का जो नजारा है बहुत आनंद है। तो हमारे साथ देखिए इस वक्त बहुत सा इस गर्मी जो मतलब पटना में जो कड़ाके की ठंड जिसे पड़ती है, उसी तरह पटना में कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। क्या कहना, कुछ लोगों का मन हुआ कि चलो गंगा के पार जा रहे हैं, तब कुछ लोगों को देखने के बाद मेरे मन में भी आया चलो हम भी गंगा के पार जा रहे हैं। और हमारे साथ देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये भी सब घूमने के लिए जा रहे हैं। आप पहली बार जा रहे हैं उधर? नहीं भैया, तो दूसरी बार। क्या है उधर गंगा के पार? कुछ खास तो है नहीं, मतलब थोड़ा शांत है। वो क्या है? वो आइलैंड टाइप का है, और क्या है? क्या है? आइलैंड टाइप का है ना, उस पर टहलने के लिए जाना है। तो मिथुन बताओ उसके बारे में कि गंगा के बारे में क्या जानते हो? हम गए हैं उस पार, बहुत बार गए हैं। ठीक, गए हैं वहाँ पर, उस साइड जो है ना, हाँ, परवल सब का खेती, सब साग सब्जी सब लगता है उस साइड। अच्छा। जो भी उधर जा सक जाइएगा साग सब्जी के लिए, मिर्ची उर्ची तोड़ सकते हैं। बोलेगा ना उधर, बोलेगा ना कोई? अरे क्या बोलेगा, कहेगा था कि मेरा खेत का आकर कोई तोड़ लेगा? अरे नहीं नहीं बोलता है, बोलेगा, देखेगा तब ना, बैग में रखते जाएंगे तोड़ तोड़ के। ओहो हो, बिहारी वाला दिमाग लगाता। हाँ, हम तो बहुत बार जेब में सब्जी सबसे भर लिए हैं, क्या बताएं। मिर्च उर्च भी लाया था? हाँ, मिर्ची परवल सब हो गया। ओह, और देखिए कि अब गंगा मैया का हाँ प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि और देखिए जो पहले के जमाने में क्या होता था कि इसको डेंगी कहा जाता है। देखिए कैसे कैसे नाव को ठेला जा रहा है, मूव कर रहा है ना गंगा के तरफ। देखिए देखिए मूव हो रहा है, हमको डर लगता है। और देखिए कि आप कैसे जनरेटर चालू होता है ना, हो बाजू का दम जनरेटर, कैसे गुब्बारा का गुब्बारा निकलेगा ना। देखिए तो, क्या बात है। देखिए भाई साहब वो कराटे किया, कैसा लगे? बार बार पटना लेगा आपको, उस पर छोड़ देगा, बहुत मजा आएगा।
सबको गंगा के और पटना वाले बहुत आनंद आ रहा है। क्या बोला गाइड आ गई है वीडियो बनाने के लिए मेरे साथ। और चलिए निकालिए वीडियो आप अपना के लिए लाइए एफर्ट हम बना सकते हैं। अरे सबसे झक यात्रीगण है उतर रहे हैं। कौन है? आ? कौन है ना? माइक मेरा ऑन है, बोलिए। देखिए कुछ को परेशानी हो रहा है उतरने में, उतरने तो परेशानी हो रहा हो सब तो क्या की सब उतर रहा है बढ़िया से। हाँ हाँ लाइए जैसे भी मंगा दे। नहीं नहीं जैसे भी जरूरत नहीं है। तो गाइस देखिए चलो पहुंच गए हैं नाइटी घाट। अभी देखिए जूली जी उतर रही है सब और हमारे देखिए लोग बैठे हुए गाइस देख सकते हैं वहाँ जाएंगे इसके ऊपर। तो चलिए ऊपर जाके हम दिखाएंगे आप सबको। अभी मेरे हम है और मेरे टीम सब साथ है, टहलने लीजिए। तो अभी जाएंगे ऊपर और दिखाएंगे आपको सारा वहाँ का। हम लोग जूली जी दो तीन गो रेस तो कमर हिला दिए बड़ी बढ़िया। हम नहीं हिला पाए तो आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा वो सब वीडियो जो रेस को वहाँ नाव पर वीडियो जो बनाए वीडियो बनाए ऊपर। अभी जो मेरे साथ बोट पे वीडियो बनाया है कैसा लगा आपको बताइए? बोट पे बनाने में अच्छा लगा, गुड फीलिंग हुआ ना। आइए तो भाई साहब हमको भी एक बैग मिल गया तोहफा में, ये गंगा चल दिए हम सब ऊपर चढ़ दिए। लग रहा भाई इस प्रकार चढ़ रहे लग रहा है पहाड़ है क्या बताए। तो बहुत देखा है साहब। तो चलिए चढ़ गए, चलिए ऊपर का माहौल दिखाते हैं आप सबको। हेलो गाइस हम इस पार गंगा के यानी इस पार आ गए हैं घाट के। और देखिए ये बालू है यानी जो गंगा का बीच भाग है इसमें खेती होती है, परवल का खेती हो रहा है। और लगता है कि ये गांव आ गए हैं, अपनी गांव के याद आ जाता है। उसी तरह यहाँ देखिए पूरा कुछ लोग वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, पेड़ पौधा भी है। लगता है वो पार गंगा जी नहीं है कि
हाँ है, इसके बाद एरिया खत्म हो जाने के बाद उधर भी गंगा जी। वो हम गाई बहुत तो है। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ का माहौल किस प्रकार है एनआईटी के ऊपर चढ़ने के बाद। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी बाग बगीचा जैसे। तो गाइस अभी तो आप देख सकते हैं हम एनआईटी घाट उस साइड हो गया और उससे पूरा पार हो करके हम इस पार आए हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा प्लॉट पे आपको साग सब्जी सब मिल जाएगा खेती करते हुए। तो दिखा दीजिए इधर का माहौल दिखा दीजिए, तब को देखिए हम सब कुछ वीडियो शूटिंग करेंगे यहाँ पे नीलम के साथ और जूली जी के साथ। तो अभी देख सकते हैं यहाँ का माहौल किस प्रकार है। तो चलिए हम आपको कुछ अजूबा चीज दिखाने वाले हैं भाइयों, कुछ अजूबा अलग। मिथुन क्या बोलेगा, मिथुन तो हुलुक बुलुक मनाता है, इसको रील्स बनाने बंद कीजिए आप। घिचनी ही नहीं आता, चलो सटा सटा ना। हाँ बढ़िया से ना चल जाएगा। क्या बात है, सटा सटा लम पी जाएंगे, सटा लो। नहीं जला, नहीं जला, जल गया जल गया। बीड़ी पिए हैं बच्चा में बीड़ी बच्चा। तो गाइस देख सकते हैं हम सब यहाँ पे वीडियो शूटिंग करें, वीडियो शूटिंग करते करते लाइट अभी रात हो गया है और रात में वीडियो मोबाइल जला जला के गाइस क्या बताएं वीडियो बना रहे हैं, बहुत फनी मोमेंट सब बना रहे हैं वीडियो सब, तो बेटर है। तो चलिए देख सकते हैं वहाँ पे यहाँ पे दिखेगा कि नहीं, देखिए कैसे बना रही है जूली जी, हो गया ही कितना अंधेरा में किस प्रकार वीडियो बना रही है। इधर होगी नीलम जी, यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो कौन सा बनाना है नीलम, वीडियो उस साइड बनाना है, गंगे में डूबकी लगाएंगे। तो गाइस अभी जाएंगे उस साइड जाएंगे, तो उस साइड जाएंगे और अच्छा से बनाएंगे वीडियो। तो ठीक है, तो यहीं से अब अगर आप सबको मेरा ब्लॉगिंग अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और इसी प्रकार दिखाते जाएंगे हम अपना पूरा एनआईटी का माहौल जिस पर वीडियो हम शूटिंग करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।